ओके, गुड गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। चले, मैं राहुल अली अपडेट से। गाइस, आज की अपडेट है कि आप अपने, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी कट ऑफ तो नहीं निकाला है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ चले ठीक है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एक काउंसलिंग की गाइडलाइन जारी की थी, जो आपको मैंने पहले इन्फॉर्म किया था और उसके बारे में बताया था कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चलिए, आज मैं दिखाता हूँ कि आपको काउंसलिंग के टाइम कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस तरह से अपलोड करने हैं। मैं पूरा आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, विथ आपको बस क्या करना होगा, ऐसे ही करना होगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। पहले आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एडमिशन कॉर्नर पे क्लिक करना है। एडमिशन कॉर्नर में अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए, अभी फॉर्म भरने की भी डेट है तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो रहा होगा, काउंसलिंग पोर्टल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो आप काउंसलिंग पोर्टल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक दो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव प्रूफ करके। चलिए, मैं इन्हीं का ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट ने हमें भेजा है, तो मैं चेक करके आपको बस दिखाने के लिए मैंने उनसे मांगा था कि आप लोगों को बता दूँ कैसे अपडेट करने हैं। ठीक है, और किस तरह से अपडेट करने हैं। तो आपको बस कैप्चर फिल करना है, लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खोलेंगे। ठीक है, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट करके आ गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी डिटेल आएगी, डिटेल ओपन होगी। ठीक है, डिटेल होने के बाद सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा है कि आप अपने मार्क्स भरिए। मार्क्स के बाद क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी मार्कशीट अपडेट करिए, क्लास 12th की जो भी मार्कशीट है उसे अपडेट करिए। ठीक है, 5 सब्जेक्ट वाली। उसके बाद से क्या कहा जा रहा है कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिए। उसके बाद से कहा जा रहा है कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करें तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करना है। जैसे मान लिया आपने का रिजल्ट निकला हुआ है, जैसे कोई भी रिजल्ट निकला हुआ है, रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपना खुद से सिग्नेचर करना है वहाँ पे, सेल्फ अटेस्टेड। मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सेल्फ अटेस्टेड का। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है गाइज कि आपको खुद से अपनी मार्कशीट पे सिग्नेचर करके या फोटो खींच के उसे क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, जैसे यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नीचे लिखा होता है ये जो सिग्नेचर हुआ है, इसी तरह से मार्कशीट का पहले आपको अपना प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके बाद से अपना सिग्नेचर उस पर खुद करना है। ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पे करना है जो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये जो सिग्नेचर, इसी तरह से मार्कशीट मान लीजिए निकलवा लिया आपने, और उसके बाद से आपको साइन करना होगा यहाँ पे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद तब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, उसके बाद से तब आपका एडमिशन डिसाइड होगा। आइए, चले एक एक ये SC कैटेगरी से लिए, एक OBC कैटेगरी से ले लेते हैं। OBC कैटेगरी में एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है, मैं उसके भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि OBC कैटेगरी में अभी क्या कहा जा रहा है अपलोड करने के लिए। सबसे पहले मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। ठीक OBC कैटेगरी में एक स्टूडेंट हमें हमें भेजा है कि उसका कैसे करें। तो उसमें भी काफ़ी आसान प्रोसेस है। पहले वहाँ पे यदि आपने मार्क्स फिल कर दिए हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में सिर्फ आपको एंटर के मार्कशीट एंटर करने के लिए कह रहा है। उसके बाद से सबमिट करने के बाद हो सके आपसे इनकम सर्टिफिकेट कहा जाए। तो अभी इसमें इनकम सर्टिफिकेट केवल सेरेमनी लेयर का मांगा जा रहा है। देखिए, अभी इन्होंने भेजा है, अब इनके केवल यहाँ पे मार्कशीट अपडेट करने के लिए कह रहा है। जब मार्कशीट अपडेट कर देंगे तो इनके फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से है गाइस, जिन लोगों के आए थे मैंने आपको दिखा दिया आपको कैसे अपने मार्कशीट अपडेट करने हैं और काउंसलिंग में का हिस्सा बनना। उसके बाद से यूनिवर्सिटी के फाइनल कट ऑफ आएंगे। कट ऑफ आने के बाद तब आपका डिसाइड होगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ही दो तीन स्टूडेंट ने भेजा था, मैंने बताया था कि सर काउंसलिंग कैसे करना। आज आज आपको मैंने बता दिया कि काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है।